हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वे टू सक्सेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नदियों के किनारे बसे शहर। तो हमारे देख रहे हैं इसमें तीन कॉलम है, पहला है शहर, दूसरी है नदी, तीसरा राज्य। तो पहला हमारा शहर है भागलपुर, किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे, बिहार कौन सा है, राज्य। नेक्स्ट है कोलकाता, किस नदी किनारे बसा है, हुगली नदी किनारे, राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा किराकत, किस नदी किनारे बसा है, गोमती नदी किनारे और हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा जौनपुर, कौन सी नदी किनारे बसा है, गोमती नदी और राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों जौनपुर जौनपुर दो बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा चंदौली, गंगा नदी किनारे बसा है और ये है यूपी का ही है। हमारा जाजमऊ, गंगा नदी किनारे बसा है यूपी में। नवबस्ता, पंदू नदी किनारे और उत्तर प्रदेश में। विठूर, गंगा नदी किनारे और ये भी उत्तर प्रदेश का है। उज्जैन है हमारा छिपरा नदी किनारे, ये कहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोल्हापुर हमारा पंचगंगा नदी और ये कहाँ है, महाराष्ट्र का भाग है। राजकोट हमारा बसा हुआ अजी नदी किनारे और गुजरात में। बड़ोदरा, विश्वामित्री नदी और ये कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, गुजरात में। आगरा है हमारा यमुना नदी किनारे यूपी में। मथुरा भी हमारा है यमुना नदी किनारे, ये कहाँ पे है, यूपी में। नई दिल्ली हमारा बसा है यमुना नदी किनारे, ये दिल्ली का भाग है। औरैया भी हमारा कहाँ बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे और ये यूपी का भाग है। इटावा भी हमारा बसा हुआ है यमुना नदी किनारे और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में। नेक्स्ट हमारा जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। हैदराबाद मूसी नदी किनारे आंध्र प्रदेश में। और हमारा विजयवाड़ा है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। फरुखाबाद हमारा बसा हुआ गंगा नदी किनारे, ये कहाँ पे है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश यूपी में। फतेहगढ़ हमारा बसा हुआ गंगा नदी किनारे और ये कहाँ, किसका पार्ट है, यूपी का। कन्नौज बसा हुआ हमारा गंगा नदी किनारे और ये भी यूपी का पार्ट है। बेंगलोर हमारा बसा हुआ है वृषभावती नदी, ये कहाँ का भाग है, ये है कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा मैंगलोर नेत्रावती गुरुपुरा नदी किनारे कर्नाटक में। शिमोगा तुंगा नदी कर्नाटक में। भद्रावती भद्रा नदी कर्नाटक। होसपेट तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में। कारवार काली नदी कर्नाटक। बागलकोट घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। होनवार सरावती नदी कर्नाटक में। ग्वालियर चंबल नदी मध्य प्रदेश में। और हमारा गोरखपुर है राप्ती नदी किनारे यूपी में। हमारा लखनऊ बसा हुआ गोमती नदी किनारे यूपी में। और हमारा कानपुर है गंगा नदी किनारे यूपी का भाग है। शुक्लागंज गंगा नदी किनारे यूपी का भाग है। चकेरी गंगा नदी यूपी। कोलकाता हुगली नदी पश्चिम बंगाल। वाराणसी गंगा नदी किनारे यूपी में। इलाहाबाद गंगा नदी और इलाहाबाद आप जानते हैं संगम के भी किनारे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद साबरमती आपको पता सबसे प्रदूषित नदी है, गुजरात में। गंगा नदी किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, पटना भी कहाँ, गंगा नदी किनारे बिहार में। मालेगांव गिरना नदी महाराष्ट्र का ये भाग है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। कटक महानदी किनारे बसा हुआ है, ये कौन सा भाग है, उड़ीसा का भाग है। संबलपुर महानदी किनारे, ये भी उड़ीसा का भाग है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे उत्तराखंड। पुणे मूला नदी या मूठा नदी, ये कहाँ का भाग है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट दोस्तों दमन गंगा नदी है और ये दमन और द्वीप का भाग है। मदुरे वैगई नदी तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी तमिलनाडु। इडोर कावेरी नदी तमिलनाडु। चेन्नई कुबल नदी अड्यार नदी तमिलनाडु। कोयम्बटूर नोयल नदी तमिलनाडु। इरोड कावेरी नदी तमिलनाडु। तिरुनेलवेली थमिरा वरानी नदी तमिलनाडु। सूरत राप्ती नदी गुजरात। भरूच नर्मदा नदी गुजरात। कोटा चंबल नदी राजस्थान। करजात उल्लास नदी महाराष्ट्र। नासिक गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में बसा हुआ है। महाड़ सावित्री नदी महाराष्ट्र। राजमुंदरी नदी गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। नादेड़ गोदावरी नदी महाराष्ट्र। नेल्लोर विनयार नदी आंध्र प्रदेश। शांगली कृष्णा नदी महाराष्ट्र। कराड़ कृष्णा नदी महाराष्ट्र। छिंदवाड़ा फुलवेहरा नदी मध्य प्रदेश।
होशंगाबाद, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, हरिद्वार, गंगा नदी उत्तराखंड, ऋषिकेश गंगा नदी उत्तराखंड, देहरादून टॉस नदी उत्तराखंड और हल्द्वानी गौला नदी उत्तराखंड, काशीपुर ढेला नदी उत्तराखंड, रुद्रपुर कल्याणी नदी उत्तराखंड, कोटद्वार खो नदी उत्तराखंड। इसमें दोस्तों सारे राज्य के नदियों के किनारे वसे शहर को डिस्कस किया गया है, इससे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।